सो गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा है बाकी स्टेशन में घूमने? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा भाई स्टेशन में घूमने। अभी मैं जा रहा हूँ एक इंजन में, जहाँ पे सड़ा वो इंजन है वहाँ मैं जाऊँगा और उसके बाद वीडियो बनाऊंगा। सो वही इंजन दिखा था वो साइड में उधर पे जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो आपको दिखाता हूँ एक बार। मैं एड बॉक्स पे आया हूँ चाय पीने वाले जगह पे। इधर पे बहुत मस्त चाय मिलता है। अच्छा हमको सिखा रहा है कोलकाता में आ गया। तो आप लोग पीछे देख सकते हो उधर, मैं आप लोगों को और भाई लोग से मिलाता हूँ। रुको चैनल यूट्यूब पे प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर कर दे। नहीं पब्लिक अभी हम लोग इधर कुछ खाने वाले हैं और मेरे साथ 4 5 6 5 पब्लिक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले सूरज भाई और दो पब्लिक इधर है, नावेद भाई और वो आपका भाई नाम क्या है? उमर फारूक भाई, एक नंबर सही है भाई। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना जरूर। कुछ बोलेंगे? बाय बाय। और नावेद भाई इधर है और वो आपका नाम क्या है भाई? उमर। आसिफ भाई और उमर ना। हाँ ठीक है भाई। हाँ भाई अल्लाह हाफिज़ भाई। अल्लाह हाफिज़ लव यू ब्रदर। हम अभी जा रहे हैं मालपाड़ा। हम लोग मालपाड़ा घूमने जा रहे हैं, बहुत मजा आता है बच्चे। और मेरे साथ कौन कौन है मैं बताता हूँ। आमिर भाई कोलकाता के, मोइन भाई है और ये आमिर है। क्या होता है मेरे साथ मसब है और एक मसासा है और उसके बाद आमिर है। गाइस एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, हम लोग का टी शर्ट देखिए। हाँ टी शर्ट दानी फैम ब्रो। पब्लिक हम लोग कुत्ते को बुला रहे थे, कुत्ते गाइस इधर जो मिलेगा दिखाने के लिए वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो आप लोग देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। बाकी सब पब्लिक आराम से बैठी है शांति से, मेरी भाषा पता नहीं कोई समझ रहेगा कि नहीं समझ रहेगा। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है क्या नहीं। कौर बोलो जीतो पब्लिक। ऐसा देख रही है ना भाई, क्या बोलूँ, पब्लिक के नज़र मेरे पे ही है ना भाई। लेकिन तेरा भाई कैमरा उठा के चल देगा तो चलते रहेगा। ओह माय गॉड, मैं भी टाटा स्टील के पास हूँ और इधर से मेरे फ्रेंड लोग मेरे को मिलेंगे। उसके बाद मैं जाऊँगा किधर, बेलूर किधर है पता है क्या? हावड़ा स्टेशन जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से ट्रेन पकड़ना पड़ता है। ट्रेन पकड़ने के बाद मैं मेरे दोस्त से मिलूँगा मिशन से, और मिशन से मिलने के बाद वहाँ पे मैं आप लोग को वहाँ का सीन दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं। मास्क हट तेरी बाकिया भेंडी, बहुत डिस्टर्ब करता है यार मार्क्स विश। आमिर मसम और इकरामुल घूमने गए थे चिड़ियाखाना, लेकिन चिड़ियाखाना बंद है तो उन लोग वापस आ रहे हैं, तो मैं वही रास्ते में जा रहा हूँ अकेले। और अभी जाते उधर उन लोग मिल जाएंगे रास्ते में तो सही है, नहीं तो मैं जाऊँगा मेरे दोस्त के पास। क्या करूँ अभी भाई, यार बुरा लग रहा है यार भाई, कोई है भी नहीं, अकेले घूम रहा हूँ मैं। सो आप लोग पीछे देखो, इधर पीछे का सीन मस्त है और मैं आगे आप लोग को लेके जाता हूँ, आगे एक और चीज़ दिखाता हूँ। गाइस आप लोग को इंदिरा गांधी का स्टैचू देखने गए क्या? रुको मैं आप लोग को इंदिरा गांधी का स्टैचू दिखाता हूँ अंदर से, और अंदर पता नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं आप लोग को दिखाता हूँ इंदिरा गांधी का स्टैचू सामने से दिखाता हूँ।
ये रहा स्टैचू, मैं वो साइड जाके दिखाता हूँ आप लोगों को स्टैचू कैसा है कैसा नहीं। सो भाई भाई अंदर जा सकते क्या हम लोग? हाँ भाई अंदर अलाउ नहीं है क्या? अच्छा वो साइड से दिखता है ना वो मस्त। हाँ हाँ एक नंबर भाई, शुक्रिया भाई शुक्रिया भाई शुक्रिया। ओके गाइस, तो आप लोग को इंदिरा गांधी का स्टैचू देखने का है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ पीछे। पीछे इंदिरा गांधी का स्टैचू है और इसके बारे में सब पब्लिक को तो पता होगा ऑलमोस्ट, ज़्यादातर पब्लिक को पता रहता है, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में डेफिनेशन दूंगा नहीं। सो मैं आप लोग को इंदिरा गांधी का स्टैचू दिखाता हूँ, आप लोग देखो। मैं आप लोगों को ना बैक कैमरे से स्टैचू दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं। मैं इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ा सा चीज़ बता दूं, तो इनका जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था प्रयागराज में, ठीक है, और इनका डेथ हुआ था दिल्ली में 1984 में। सो वही, और बाकी आप लोग को इसके बारे में थोड़ा और जानकारी चाहिए तो आप लोग गूगल पे सर्च मार सकते हो, इनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो एकदम अच्छे से। और गाइस मेरे साथ इधर कोई है भी नहीं ना भाई, फ़ोटो वोटो लेता अच्छे से। सो अकेले ही चलना पड़ रहा है, अकेले जाना पड़ रहा है। अंकल वो जो स्टैचू बना है उधर पे वो क्या है अंकल? जैसे वो हिंदी भाषा है। हाँ हिंदी भाषा भाषा को मास्की कहते हैं, माँ कहते हैं। अच्छा माँ कहते हैं। हाँ तो उसके ही वो स्टैचू बना है ना? हाँ उसी का स्टैचू बना है। अच्छा बांग्ला भाषा के लिए आंदोलन किया था ना? अच्छा बांग्ला भाषा के लिए जो आंदोलन किए थे, हाँ तो उनका स्टैचू वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। गाइस मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाता हूँ वो स्टैचू कैसा है कैसा नहीं। भाई एक नंबर है ना भाई, गांव का तो कुछ भी नहीं है भाई इसके सामने यार, देखो ठीक है। वहाँ पे उनके स्टैचू है और यहाँ पे फ्लावर्स है, तो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सही, बाकी ज़्यादा अंदर जा नहीं सकता क्योंकि अलाउ नहीं है भाई इधर, तो बाहर निकलते हैं यहाँ से और फिर आगे चलते हैं, आगे कुछ मिलेगा तो मैं आप लोग को दिखाऊँगा। वैसे तो एक और चीज़ देखने का आप लोग को, ये देखो हम लोग मेट्रो में जा रहे हैं, मेट्रो में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमेशा कौन कौन है पता है क्या आपको? वही ग्रामीण, वो आमिर और इधर मचाचा, मचाचा एकदम पूरा मचाचा। तो जैसे चलते मेट्रो, हम लोग आए थे मेट्रो में घूमने, लेकिन अभी जिसके पास स्मार्ट कार्ड है वही अंदर जा सकता है और घूम सकता है, और हम लोग के पास तो है नहीं, तो हम लोग ऐसे चलते वापस और आगे कुछ दिखेगा तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। गाइस इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना मेरे पास किसी तरह पब्लिक के सामने कैमरा ऑन करके चलते रहने का, और कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको हम लोग देखते भाई क्या है क्या नहीं है क्या। सो वही आप लोग ये सब देख सकते हो, अगर अंदर जाने का अलाउ रहता तो मैं आप लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाता। वैसे भी हम लोग हावड़ा जाचा, उसके बाद मचाचा। तो उसके घर पे आए लो जिसका नाम मिशन है भाई, बहुत खतरनाक बंदा है ना मिशन, उसका माइंड पूछो मत भाई, इतना बिल्ला है ना, इतना पब्लिक को शॉट देता है ना भाई वो। तो उसके घर अभी हम लोग उसके टेरिस पे, हम लोग को पुलिस वाला पकड़ लिया था भाई स्टेशन पे। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग की गलती क्या थी ना, मैं कॉल पे बात कर रहा था और ये मचाचा जो है, मचाचा बिना विदाउट एनी मास्क के घूम रहा था ट्रेन पे, ठीक है। तो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग जैसे गए ना वैसे पुलिस वाला धर लिया ना भाई हम दोनों को धर लिया, और हम दोनों को अंदर लेके गया है। अंदर लेके जाने के बाद क्या सीन करता मालूम है, मैं अंदर जाता हूँ भाई, मैं अपना अंदर जाता हूँ थोड़ा हैंडल करता हूँ, लेकिन ये मसल क्या करता है, मसल डायरेक्ट उसके सेकेंड थर्ड फ्लोर पे जाता है और उधर से खुद ही मार के और भाग जाता है। बोलो भाई अकेला छोड़ के भाग गया, दोस्त है भाई, है ऐसा दोस्त है भाई, आप लोग मेरे को टॉर्चर कर देना भाई, बोले बुला उसको नहीं तो तेरी बेच के तेरे बहुत मारेंगे ना, बहुत अंदर मारेंगे। तो क्या किया उसके बाद, दोबारा क्या किया मैंने, इसको कॉल लगाया, उसके जितने भी RPF वाले जितने भी थे पुलिस वुलिस वाले लोग, उन लोग पकड़े मेरे को और कॉल करने बोले, तो मैं उन लोगों को कॉल करा और स्पीकर ऑन था, तो कॉल करा, इसको बुलाया मैं इसके 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे,
और जैसे इसको तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे बुलाना है वैसे पब्लिक इसको पकड़ ही ना पा रहा है नहीं क्या यहाँ तक। हाँ भाई बहुत मचा है भाई भाई की। अब भाई वैसे पैसे वैसे नहीं लिया उसने ऐसे छोड़ दिया। और सब गए वो मेरे नए भाई है भाई मेरे को अभी अभी मिले रास्ते में तो मैं सोचा मैं वीडियो बना लेता हूँ भाई का।